और ये वाईफाई टावर जो कि कभी काम नहीं आया है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस, हम आपको बताने वाला हैं कि कॉलेज टूर हमारा, मतलब कि कॉलेज कैसा दिखता है, कैसा लगता है, तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है मान्यवर काशीराम राजकीय पॉलिटेक्निक तिरवा कन्नौज। चलिए इसके अंदर प्रवेश करते हैं। इस सामने कॉलेज दिख रहा है, ये मतलब कि कैंपस है, और उसके पीछे इधर सर लोगों के कैंपस हैं, और सामने ये रोड गई है इसको, यहीं से हम लोग पीछा घूम के आते हैं। जो आपको ये मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये सब टीचरों लोगों के कैंपस हैं। यहाँ पर मतलब कि वो यहीं पर रहते हैं, वो लोग टीचर लोग गवर्नमेंट टीचर हैं ना, इसलिए उन्हें यहीं रहना पड़ता है। और ये वाईफाई टावर जो कि कभी काम नहीं आया है। क्यों अभी नाम इसमें कभी नेट चला रहे चलाया आपने कनेक्ट करके? अच्छा, ये टंकी है हमारी, मतलब कि पानी वाली, जिसमें आप देख सकते हैं पानी नहीं आ रहा था। टंकी तो बनी है पर पानी नहीं आ रहा है। ये हैंडपम्प लगा हुआ है जो कि पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, मतलब कोई इसको ठीक भी नहीं करा सकता है। अब हम चलते हैं अपने कॉलेज की लैब में। चलो ऐसे करते हैं। ये पीछे हमारी वर्कशॉप है पर कार्यशाला, यहाँ पर अभी मतलब कि हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि वर्कशॉप की क्लास होती है जो कि फर्स्ट हमारे फर्स्ट ईयर में थी, तो उसमें हम लोग जाते थे पर अब नहीं जा सकते हैं। अब ये जो रास्ता देख रहे हैं ये सीधे गर्ल्स कैंपस के लिए गई है, पर यहाँ पर मतलब कि गर्ल्स के लिए ठीक नहीं है। देखिए आप कितना बड़ा यहाँ पर ग्राउंड भी है, लेकिन साफ सफाई ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड बहुत बड़ा है पर यहाँ पर अगर यही थोड़ा मतलब कि बढ़िया हो जाए यार, सफाई वफाई कर दी जाए यार, हैं तो कितना बढ़िया रहे। कैंपस तो दिख नहीं रहा, बताओ इतने इतने बड़े तो पेड़ है पीछे, आगे से दिखेगा। चलो हम आपको आगे से दिखाएंगे कैंपस। ये देखिए कॉलेज का बैक साइड है, कैंपस का बैक साइड। इधर जो क्लास है इधर थर्ड ईयर की क्लास लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। ये देखिए, देखने की आपकी कोशिश करिए पर आपको दिख जाएगा है? ये देखिए सिक्योरिटी रूम है पर यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। कैफ्टीरिया है पर कैफ्टीरिया का आप दरवाज़ा देख सकते हैं, बिल्कुल ये टूटा है कैफ्टीरिया का दरवाज़ा। यहाँ पर मतलब कि हरियाली ज़्यादा है, समर हमर है जो कि चलती क्यों, समर चलती है कभी नहीं चल, सही समर खराब है। ये पता नहीं स्विमिंग पूल के लिए खोदा गया था या किस लिए, हमको पता नहीं है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल पौधे बहुत हो रुके हैं। यहाँ पर छः छः हेल्पर हैं पर कोई मतलब अगर थोड़ा भी काम कराएं यार तब भी एक कुल साफ हो जाए, क्यों यार के हटा के किसको हटाइयो, सिक्योरिटी गार्ड अंकल को, सिक्योरिटी गार्ड को हटा के मुझे ही लगा दो, कुछ नहीं वो बूढ़े हो चुके हैं तो कुछ नहीं कर पर सिक्योरिटी गार्ड क्या, जो बूढ़े जो होते भी यार ऐसी जगह लगा लेकिन मंडी में कोई मतलब की जो नहीं रिटायर थोड़े भी हो जाते हैं जबकि ओल्ड एज के हो जाते यार। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं सीधे अपने कॉलेज की तरफ, फ्रंट कॉलेज, यहाँ से चलेंगे सीधे। यार आज धूप बहुत है, ऊपर हमारी ईडी की क्लास लगती थी, अब ईडी सब्जेक्ट अपने में अब है नहीं, क्यों ईडी सब्जेक्ट अब अपने नहीं है, पहले ऊपर पढ़ने जाते थे ईडी, क्योंकि ईडी के लिए जो अलग टेबल है ना इसलिए। हम लोग कॉलेज के फ्रंट साइड आ चुके हैं पूरा, चक्कर मार के चलो आपको दिखाते हैं। अभी जो भैया आए वो 18,000 रुपये की बाइक लेके आए हैं सेकेंड हैंड, जो कि प्लेटिना है। ये भाई कॉलेज का फ्रंट साइड है, ये देखिए सब हेल्पर लोग खड़े हैं भाई, दो दो गाड़ियां हैं सर के पास हमारे। अंदर चलें कॉलेज के, चलिए। ये देखिए इंडिपेंडेंस की जो रंगोली बनाएंगी वो अभी तक बनी है। इधर ऑफिस रूम, इधर परीक्षा नियंत्रण है, ये है महिला प्रसाधन, इधर ओपल के लिए सीढ़ियाँ गई हैं ईडी के लिए, हाँ जहाँ पर ईडी क्लास लेते थे। यहाँ पर टाइम टेबल लगा हुआ है, मतलब कि यहीं से सब लड़के जाते हैं, तो आप देख सकते हैं इधर सब टीचर टीचर
तो मतलब कि कंपार्टमेंट है, इधर हम लोगों की क्लास। और क्या मुआयना करें, इलेक्ट्रॉनिक सिविल। और ये भाई मतलब हम लोग क्लास जहाँ पर हम लोग बैठे थे, पूरी क्लास खाली हो चुकी है, सब लोग जा चुके हैं, तो चलो हम लोग भी चलते हैं अपने घर के लिए। ये लैब है, प्रोजेक्ट लैब, जो कभी भी हमने खुली नहीं देखी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसमें ताला पड़ा रहता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप प्रोजेक्ट लैब, इसमें कभी ताला नहीं खुलता है। दिस इज माई गार्डन, ये हमारे कॉलेज का गार्डन है। अरे बंद कीजिए आप, इंडिया पाकिस्तान लगा, इंडिया बाहर हो गई बस। आज सर नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ गार्डन में बैठे हैं, तो देखते हैं सर कितनी देर बाद आते हैं। फिलहाल पढ़ाई तो आज कुछ नहीं हुई है, तब भी थोड़े मजे जे करते हैं बस।